ज्ञान ये इकट्ठा होना जो है कि आपके फायदे के लिए बेहतर है। हमारा काम जो है जो हम मरकजी तंजीम है, हमारा काम ये है कि हम लोगों को मोबिलाइज करें, हम लोगों को जाके उनके घरों से निकाल के ऐसे दोस्तों के जरिए से जो मेरे साथ खड़े हुए हैं इनके जरिए से आप तक पहुँचे। जब आप तक पहुँच जाते हैं तो फिर मोबिलाइज करके इस तरह का एक इंतजाम करते हैं जिसमें हम आपको मोटिवेट करते हैं कि ये तंजीम जो है बड़ी तंजीम है, आप उसका हिस्सा बनने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप भी एक तंजीम बनाएं ताकि पूरे पाकिस्तान की तंजीमों के साथ आपका रब्ता बहाल हो जाए और पूरे पाकिस्तान की बरादरी के साथ आप मिल के तो एक अच्छे कार्यक्रम में जो है शामिल हो जाए। और सबसे अहम बात उन लोगों को राय मकुल्लुम मसूद किया करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निशान है, तुम में से हर एक के बाहर है और उससे उसकी रैयत के मुतल्लिक सवाल होना है। आपकी रैयत है क्या? जिस पे जितनी रहमत है, जिसको जितना अदा कर दिया है उसकी रैयत भी उतनी ही ज़्यादा है। अगर डॉक्टर साहब को पूरा सांगला हिल जानता है तो इनकी जिम्मेदारी भी उतनी ज़्यादा है, अगर मुझे कोई नहीं जानता तो मेरी जिम्मेदारी उतनी कम है। उस हिसाब से चूँकि हमने कल क़यामत वाले दिन जो है इन मामलात का हिसाब तो देना ही देना, तो क्यों ना आज इस इम्तहान की तैयारी कर लीजिए। दुनिया मत रात ला फिर यहाँ जो कोई गए वही आपने इतने काटना। अगर आज एक स्टेप लेके अपने आराम को एहतियात के और दूसरों के आराम का ख्याल करते हुए आप अपनी रातों की नींद हराम कर देंगे तो कल क़यामत वाले दिन जब अजाब आदम हो रहे होंगे आपको वो साया मुयसर आ जाएगा जिस साय के सब फैसले हो, क्योंकि ये वादा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मतलब है, हजूर ने फरमाया जो बंदा मखलूक के कामों में लग जाता है खालिक़े कायनात उसके कामों का जिम्मा अपने लिए ले लेता। हम इस पैगाम को लेकर निकले हैं कि आइए बजाय इसके कि हम लेने वाले बने, हम इस सोच में बैठे रहे कि कोई आएगा आके मेरी मदद करेगा, मैं परेशानी में हूँ, इनको नज़र नहीं आता, ये अंधे हैं, मेरी काम के लिए है कोई मेरी मदद के लिए आ ही नहीं रहा। हम चाह ये रहे हैं कि मेरी टांग बेशक टूटी हुई है मैं उनकी तरफ ना देखूँ, एक टांग के साथ इन पर खड़ा हो जाऊँ और एक काम के साथ मैं जितना हिस्सा डाल सकता हूँ जितना काम कर सकता हूँ वो करूँ। देखें अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगला सवाल ये है ना कि ठीक है करेंगे तो आपने एक ख्वाब दिखा दिया जो आखिरत की तरफ ज़्यादा है, दुनिया में शायद इतना नहीं है, लेकिन मैं दुनिया के फायदे जानबूझ के नहीं बता रहा, मैं हंसन आपको बता रहा हूँ कि मेरे अपने गांव की तंजीम जो है उसको 33 साल हो गए हैं चलते हुए। 30 दिसंबर 1990 को पहले दिन हम इकट्ठे हुए थे और आज तक वो तंजीम चल रही है, उसका हफ्ता वार इजलास कभी मिस नहीं हुआ। वहाँ पे जो माशर्ती तौर पे हमने फ़ायदे लिए हैं आपकी सोच है, सियासी तौर पे कोई बात हमारे बगैर हो जाए हम उसका सिर्फ ये कहते हैं कि हम इसमें हिस्सादार नहीं हैं तो आलमोस्ट वो फेल हो जाती है। गाँव में कोई काम हो रहा हो सबकी नज़रें हमारी तरफ होती हैं कि यार अगर इन्होंने जिम्मा ले लिया तो ये काम पाया तक दिन तक पहुँच जाएगा, अगर इन्होंने जिम्मेदारी ना ली तो फिर ये काम नहीं चलेगा। उसके पीछे मेहनत है, वक्त लगा है और वो वक्त जो है वो हमने यूनिटी के साथ लगाया है, इत्तेहाद के साथ लगाया है। लोगों के लिए आसानी इसमें है कि आप लोगों के मुख्तलिफ जमातों में मुख्तलिफ छोटे छोटे फिरकों में जो है वो तकसीम कर दें और आपके मामला चला दें। इत्तेहाद उनको आपका सूट नहीं करता, ये सूट करेगा सिर्फ आपको। मैं थोड़ा सा उन अहबाब के लिए पढ़ने लिखे हैं उसको बताना चाहूँगा कि जब ये रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट नहीं था तो हमें पता होता था कि जी तो फला जगह पे हमारा कोई ऑफिसर है। रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट बनने के बाद हमने रहमानी गैलेक्सी के नाम से ऑफिसर्स को इकट्ठा करना शुरू किया, 500 से ज़ायद लोग का
पर्सन आएंगे हमारे पास, जिसमें ग्रेड 21 तक के लोग शामिल हैं, ग्रेड 1 से लेके 21 तक के लोग शामिल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ऐसे जज्बे वाले लोग मौजूद हैं, आप कोई काम कह दें एक मिनट से पहले पहले उसमें रिस्पॉन्स आ जाए। हमने अपनी यूथ को मोटिवेट करने के लिए राइजिंग स्टार के नाम से एक बना दिया, ग्रुप बनाया, जिसमें उन बच्चों को हम शामिल करते हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है और अभी तक वो जॉब में नहीं है, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं, प्रोफेसर्स की जिम्मेदारी है, वो उनको रहनुमाई देते हैं कि किस तरह किस शोबे में वो जाएंगे तो उनके लिए आसानी होगी। ये जो काम है इसमें मेरा शायद ज़ाती तौर पर कोई फ़ायदा ना हो सवाए उस आखिरत वाले फ़ायदे, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये ख्वाब यही देख रहा हूँ कि ये जो मेरी बरादरी है इसका मयार ज़िंदगी कैसे बेहतर होगा, इसके मयार ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना होगा। एक पागलपन था, एक ख्वाब था, दिवाली का ख्वाब था, उसको सोचा, देखा और चल पड़े। ऐसा भी हुआ कि ट्रक के पीछे लिखा हुआ है रहमानी ब्रदर्स, उसको साइड पे खड़ा करके पूछा, भाई जान आप रहमानी हैं? उनका जी मैं रहमानी। अच्छा, रसाला निकाल के उसको दे दिया कि इस पे ये नंबर लिखे हुए हैं, इस पे रब्ता कर लीजिएगा, हम शायद कोई आपकी मदद के लिए किसी वक्त आ जाए। इस तरह का पागलपन जो है वो थोड़ा सा आपके अंदर आपको लेके आना पड़ेगा, थोड़ा सा, मैं कहता हूँ इस तरह हमारी तरह ना हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो हिस्सा आप लेना। ये जो मेरे पीछे खड़े हुए पूरी टीम है, इन्होंने एक जिम्मेदारी ले ली कि इंशाल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की तौफीक से ये आप लोगों की मदद करेंगे, आपकी फलाह के लिए अपना आराम जो है उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप लोग इरादा कर ले कि इनको छोड़ के बस आपने निकल जाना है, इनकी सिर्फ टांगे हमने खींचनी है, तो गारंटेड है कि फिर ये फेल है कल। पहला सबक जुड़ने का याद रखें, आपस में जुड़े। किसी ने कोई बात कह दी है, ये बड़े हैं, इनको मैं ये कहूँगा आप बड़े होने का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें, सब्र पे ही अजर मिलना है। अगर आपने सब्र ना किया तो फिर अजर का तकाजा ना कीजिएगा, सब्र है तो फिर अजर है। और जो छोटे हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि कभी इनसे कोई ज्यादती हो जाए तो अपने बड़े समझ के इनको दरगुजर कर दिया करें कि ये हमारे बड़े हैं यार, कह लिया है तो क्या हुआ, मुझसे गलती होगी होगी, मैं चलो कभी तनहाई के बैठ के उस बात को सोचे जो इन्होंने की होगी, अगर वो ठीक हो तो उस पर अमल कर ले, नहीं ठीक तो दरगुजर कर। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तस्वीर चलती है। अगर आप ये समझ लें कि ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी